जय सच्चिदानंद फ्रेंड्स, सुनीता राजपूत के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन थाली। इसमें है पूरणपोड़ी, खीर और मसाली भाजी। ये मैंने लिया है एक कटोरी के करीब चने की दाल। इसको मैंने ज़्यादा टाइम भिगोया नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप इसको भिगो दीजिएगा। और इसको हम कुकर में डाल देंगे और 3 से 4 सीटी इसको लगा लेंगे। तब तक हम आटा गूंद के रख लेंगे। ये मैंने रोटी बनाने का आटा लिया है, आप चाहे तो इसको मैदा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है और आटा गूंद लेंगे। नरम डो तैयार करेंगे, जैसे हम आलू के पराठे वगैरह में बनाते हैं उसी तरीके से नरम। ये हमने डो लगा लिया है, इसमें हम ऊपर तेल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमारे चने की दाल पक गई है अच्छे से। अब इसको हम चेक कर लेंगे दबा करके, ये अच्छे से पक चुकी है। ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है, इसी तरीके से होनी चाहिए, दाल दिखनी चाहिए अच्छे से। अब इसको हम छान लेंगे और एक पैन में दाल को डाल लेंगे। पानी नहीं डालना है, सिर्फ दाल को ही डालना है। अब जितना हमने दाल लिया था उसी कटोरी से हम इसमें गुड़ डाल लेंगे। अब इसमें एक चुटकी हम जायफल डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। अभी गुड़ में से पानी निकलेगा, फिर ये दोनों कंटिन्यू इसको हिलाते हुए हमें इसको पकाना है। लगातार इसको चलाते रहेंगे, इसका पानी सूखने तक पकाएंगे इसको। इस तरीके से हो चुका है, इस तरीके से होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए इसमें। अभी एक हम बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे इस तरीके से, बड़ी छन्नी। और ये जो हमारा तैयार हो चुका है चने और गुड़ को हमने जो पका के रखा है, इन दोनों को हम गरम गरम में ही छन्नी पे डालेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। मिक्सर में हम पीसते हैं तो कुछ दाने रह जाते हैं, या तो आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं या तो फिर इस तरीके से छन्नी से हम प्रेस करते हुए तैयार करेंगे इसको। पूरन का मसाला, इसको पूरन बोलते हैं। एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें एक भी दाने नहीं रहते हैं। अब ये तैयार हो गया है, अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। ये हमने आटे की लोई ले ली है, इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से कटोरी का शेप देंगे और इसमें जो हमने पूरन तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लेंगे, इस तरीके से प्रेस करके सूखा आटा लगाएंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा शेप देंगे। और फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। अब तवा गर्म हो चुका है, उसमें हम ये रोटी डाल देंगे। अभी तेल या घी नहीं लगाएंगे, इसको परट लेंगे, उसके बाद लगाएंगे देसी घी। पूरनपोड़ी में देसी घी लगाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। इसमें बटर नहीं लगाते हैं, या तो फिर आप ऑयल लगाइए जो आप भी खाते हैं, या फिर देसी घी लगाइए। दोनों तरफ से हम देसी घी लगा लेंगे और एकदम मस्त फूल गई है ये।
अब इसको पलट लेंगे और साइड साइड से भी हम इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि किनारे पे कच्चा ना रहे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए कि ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये अभी पूरनपूरी हमारी पक चुकी है, इसको हम अभी निकाल लेंगे। और ये दाल हमने अलग की थी, थोड़ी सी दाल हमने बचा ली थी और पानी भी उसका हमने फेंका नहीं है। इसी पानी से हम मसाले की सब्ज़ी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी के लिए हम तवे को गर्म करेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें एक प्याज डालेंगे हम, लंबा कटा हुआ लिया है मैंने। इसको पका लेंगे, पिंक कलर होने तक इसको हम पका लेंगे। ये पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे सूखा नारियल, ग्रेटेड नारियल लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम 8 से 10 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसको ठंडा होने देंगे, होने के बाद, और इसको जार में डाल लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच, आप जैसा भी खाते हैं तीखा उस हिसाब से, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला आधा चम्मच, छोटा चम्मच लिया है, और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये पीस लिया है हमने। अब एक पतीले में डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, ये तोड़ लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर और 1 चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे हम पीसा हुआ मसाला जो हमने पीस के ले लिया है और इसको पका लेंगे। यह अभी पक चुका है। अब इसमें हम चने की दाल जो हमने उबाली थी उसका पानी इसमें डाल देंगे और जो थोड़ा सा चना बचा है उसको हम क्रश कर लेंगे और क्रश करके फिर डालेंगे इसमें और इसको एक उबाल आने तक हम पका लेंगे। और ये हम तैयार हो गई हमारी महाराष्ट्रीयन थाली, पूरनपूरी, खीर, पापड़, मिर्ची के पकौड़े और ये मसाली सब्जी। अब इसमें हम छोटे छोटे बारीक पकौड़े लेके रखे हैं मैंने, वो इसमें डाल देंगे। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ पकौड़े है बेसन का। और ये तैयार हो गई हमारी महाराष्ट्रीयन थाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।